तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी। सो मैं एक मरीनर हूँ एंड आई वाज वर्किंग एज ए कैडेट, बट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय सेकंड मेट। सो मेरा नाम प्रवीण है। तो मैंने 3 वेसल्स किया अभी तक, जिसमें से 2 ड्रेजर और 1 डीपी वेसल था। फर्स्ट 2 में एक 7 मंथ का एक्सपीरियंस है फर्स्ट ड्रेजर पे, सेकंड पे 5th का, एंड लास्ट वेसल वॉज माई डीपी वेसल। सो उसके ऊपर 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। तो बहुत टाइम से मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं ओ कि सर हमको या भैया हमको सब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, बट दे डोंट नो अबाउट मर्चेंट नेवी, हाउ टू ज्वाइन एंड ऑल। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, एक दो मेरे फ्रेंड्स भी, उन्होंने भी मेरे से पूछा कि हमें करना है ज्वाइन। तो मैं तुम सबको पहले बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि मर्चेंट नेवी इज एन प्राइवेट सेक्टर, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। और एक मिसकॉन्सेप्ट पाल के रखे हैं कि वो लोग 6 महीने जहाज पे रहना है और 6 महीने घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है और पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करते हैं आपके रैंक के हिसाब से भी, कि आप क्रू साइड से हैं, कैप्टन का अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, किसी कंपनी का 6 मंथ का भी होता है, कि आप क्रू हैं, ओएस हैं, जो भी, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट छोटे बड़े होते रहते हैं, उसी हिसाब से सैलरी होती है। दूसरी चीज, एक और मेरे 2-4 फ्रेंड्स ने बोला है कि यार हमने मर्चेंट नेवी का फॉर्म फिल कर दिया है। भाई मैं सबको बता दूं, क्लियर कर दूं, मर्चेंट नेवी कभी फॉर्म नहीं निकालती, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, वो सब एजेंट वगैरह फ्रॉड के लिए निकालते हैं। तो ऐसा अगर किसी को दिखता है कि मर्चेंट नेवी का फॉर्म मतलब निकला हुआ है, मैं भर देता हूं, तो बिल्कुल भी मत भरो, क्योंकि वो लोग सब या तो कॉलेज के एजेंट होते हैं, वो भी ऐसे कॉलेज होते हैं जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन भी लेना है तो वो डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। और जो ये फॉर्म वाला है, इसके तो आप आसपास ही मत जाओ, क्योंकि सब एजेंट होते हैं। कुछ एजेंट बोलेंगे कि आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आपको मर्चेंट नेवी में करवा देंगे, ये वो। तो उन सबसे बचें जितना बच सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि एक ओपन CDC और STCW कोर्सेज भी होते हैं। कुछ लोग ओपन CDC बना के जा रहे हैं आजकल, लेकिन उनका यार फ्यूचर नहीं है। अगर आप लोग जाओगे ओपन CDC निकाल के चले भी जाओगे, STCW कोर्सेज के ओपन CDC बना के अगर तुम चले गए, तो किसी छोटे मोटे टक बोट में या किसी बार्ज में ही काम करते रह जाओगे, कभी तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाएगा। वही 10-15-20 हज़ार रुपये में तुम लोग जॉब करोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैंने नोटिस किया है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर देखा है कि लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं जिनको इस फील्ड के बारे में 0 नॉलेज है, और उन्होंने वीडियो बनाए हैं कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, 2 लाख रुपये पर मंथ सैलरी है। भाई 2 लाख रुपए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज्वाइन किया और अगले दिन से ही आपको 2 लाख रुपए या उसी मंथ से आपको 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है 2 लाख तक पहुंचने के लिए। इवन जो कैप्टन होते हैं वो भी बहुत नीचे से उठ के आए हैं, मतलब कि कुछ होते हैं जो GP रेटिंग बेसिस होते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो आज कैप्टन है। कुछ होते हैं जो अपना 12th बेस से उठे हैं, तो उन्होंने पहले कैडेटशिप की है, कैडेटशिप में उन्होंने बहुत काम सीखा है, मेहनत की है, उसके बाद उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, फिर सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, उसके बाद वो कैप्टन बने हैं। तो ये 2 लाख वाला कॉन्सेप्ट तो आप भूल ही जाओ कि आपको ज्वाइन करते ही 2 लाख रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ कॉलेज हैं जो मैं आपको बता दूंगा इन फ्यूचर। अगर किसी को डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को एक तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, DM कर दीजिए, मैं आपको लास्ट में अपना इंस्टाग्राम का लिंक या जो भी नाम है वो मैं डाल दूंगा। उसके बाद आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आपकी क्यूरी क्या है, मैं उसके ऊपर एक डिफरेंट अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये तो एक मेरा काइंड ऑफ इंटरव्यू था कि मैं किस बेस पे आया, मतलब कि मैंने ये वीडियो डाली है। तो मेरी वीडियो का मेन मोटो यही था कि एक तो फॉर्म वाला, कि लोग बहुत से बेचारे हो रहे हैं, मैंने देखा है। मैंने एक ऐसा भी एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। मैं ज्वाइन लास्ट वेसल में एक बार एक कंपनी विजिट करने गया, वहाँ मेरे को एक, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, RPSL कंपनी ही है। और हाँ, एक चीज़ और, आजकल एजेंट्स भी बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, वो इतना मतलब कि आपको RPSL भी लेके बैठे हैं, RPSL लेके बैठे हैं, लेकिन वो एजेंट है और फिर भी फ्रॉड कर रहे हैं वो। तो आजकल इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। तो वहाँ एक बंदा जिसको उसी के रिलेटिव ने फंसाया, उससे पता नहीं 2 लाख की 2.5 लाख रुपए लिए, उसने मैं बताया था मेरे को, अभी मेरे को क्लियर याद नहीं है, उसने 2 बोला था कि 3 बोला था, उससे उसी के रिलेटिव ने 2 लाख रुपए लिए ओपन CDC बना के STCW, जिसका खर्चा 20-25 हज़ार रुपये है। 700 रुपये में CDC मिल जाती है ओपन CDC, और 20-25 हज़ार रुपये में आपका STCW कोर्सेज हो जाते हैं। उससे 2.5 या 2 या 3 लाख रुपये लिए, मेरे को अभी कन्फर्म याद नहीं है।
उस बंदे को मेरे सामने बैठा था, उसने कंपनी में इंटरव्यू देने आ गया था, उस बंदे को इवन ये नहीं पता कि मैं किस लिए आ रहा हूँ जहाज पे, मेरा क्या, मैंने कौन सा कोर्स किया है या मुझे क्या करना है जहाज पे, इवन उसको अपना डेजिग्नेशन भी नहीं पता था। कंपनी ने पूछा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ही वॉज रिप्लाइंग कि सर मैं तो पहली बार आया हूँ। उसको आप गैस कर सकते हैं कि मतलब उस बंदे को ये भी नहीं पता कि वो किस डेजिग्नेशन पे जा रहा है, तो वो काम कैसे करेगा जहाज पे जाके। उसने अपना वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं, और वो एक गरीब फैमिली से ही था, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 से 3 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़ एक और, पहले क्या होता था कि अपने इंडियंस कंपनियाँ या अपने इंडिया में थी ही नहीं, मतलब लड़कियों को मर्चेंट नेवी में जाती थी बट बहुत रेयर जाती थी। लेकिन अभी इंडियन, जैसे एक तो SCI कंपनी है, वो उसमें एक ऐसा वेसल है जहाँ पे पूरा ऑफिसर रैंक सिर्फ गर्ल्स का ही है, मतलब सिर्फ लेडीज ही। आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक, अभी ये काफ़ी न्यूज़ वायरल भी हुई थी इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ पे सब जगह। अभी मेरे को वेसल का नाम याद नहीं आ रहा कुछ, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी बता दूंगा। तो कुछ कंपनियाँ और हैं, जैसे कि एक सिनर्जी करके है, एक एंग्लो ईस्टर्न है। तो अभी इंडिया में भी गर्ल्स को मतलब कि काफ़ी इंकरेज किया जा रहा है अबाउट मर्चेंट नेवी, तो गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो गर्ल्स को लेते हैं। नेक्स्ट चीज़, आप किसी भी ऐसे कॉलेज आप लीजिए एडमिशन, आप ज्वाइन करने से पहले चीज़ ये भी ध्यान रखिए, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया सैलरी वाला, उसको देख के आप बिल्कुल मर्चेंट नेवी का सोचिए मत कि आपको महीने में ही सीधा फर्स्ट मंथ ज्वाइन किया, आप OS ज्वाइन कर रहे हो और आपको 2 लाख रुपये सैलरी मिल जाएगी, आप कैडेट ज्वाइन कर रहे हो 2 लाख रुपये सैलरी मिल जाएगी, आप कुकी ज्वाइन कर रहे हो आपको 2 लाख, या जो भी कैटरिंग स्टाफ से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब हाँ, आप एक टाइम पे अगर आप GP रेटिंग से जा रहे हो तो 2 लाख नहीं बोल सकता, बट राउंड फिगर 1 लाख तक। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट मंथ जाओगे तो आपको जाते ही 1 लाख रुपये मिलने लग जाएंगे। अब ट्रेन, पहले आपको ट्रेनिंग OS, अगर आपको मतलब कि GP रेटिंग से जा रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग OS जाना पड़ेगा, उसके बाद आप OS करेंगे। OS में भी आपको कंपनी पर डिपेंड करता है, वो 3 कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, 4 कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, उसके बाद AB बनेंगे। हाँ, बोसन तक जाओगे तब तक शायद आपकी 1+ हो सकती है, बोसन की होती है 1+, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट आप पकड़ के चलिए 10 साल से 12 साल आपको लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। सबसे बड़ी बात, एक्सपीरियंस और नॉलेज आप मैटर करती है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप लाइक 5 साल से आप ट्रेनिंग मतलब OS काम कर रहे हो लेकिन आपको कुछ नॉलेज नहीं है डेक का, मूरिंग स्टेशन का, ब्लाबला जो भी होता है, अभी मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा हर एक चीज़ क्लियर कर करके। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 5 साल जो नो मतलब जॉब कर लिया हो आप लोगों ने, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीधा मतलब आपको AB, वो डिपेंड करता है कैप्टन पे, कंपनी पे, वो आपको सब आपके ऊपर मतलब एक तरीके से कैप्टन आपके ऊपर नज़र रखता है कि कौन बंदा कैसा काम कर रहा है, वो उसकी रिपोर्ट उसके बाद कंपनी में जाती है हर चीज़। तो वो सब चीज़ें एक शेड्यूल है, उसी हिसाब से चलता है सब कुछ। गर्ल्स का मैंने आपको बता ही दिया कि गर्ल्स भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं, कि गर्ल्स को भी इंकरेज किया जा रहा है। SCI है, एंग्लो ईस्टर्न है, ऐसी कंपनियां ले रही हैं आजकल कैडेट्स को। तो ये सब चीज़ें थी। अभी नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर जो भी लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनका एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आप डेक साइड जा सकते हो, इंजन साइड जा सकते हो, उसके बाद आपका कैटरिंग स्टाफ होता है जो कुक एंड होता है, जो मतलब एक तरीके से सैलून स्टाफ भी बोल सकते हो, जो क्रूज वेसल है उनमें सैलून स्टाफ बोल देते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं इंजन साइड्स में, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा कि कौन कौन से मतलब कि डेजिग्नेशंस होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, कौन से कोर्स करने हैं, और कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज में आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। और बेटर यही है कि अगर आप DNS करने का सोच रहे हैं तो आप सिर्फ जो को आपको अगर पहले क्या बोलते हैं उसको आप ही एडमिशन लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो DG अप्रूव्ड हो। दूसरा, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कंपनियां आपके एडमिशन से पहले ही मतलब कि विजिट करती हैं और आपको प्लेसमेंट दे देती हैं, उसको स्पॉन्सरशिप भी बोल सकते हैं आप, तो स्पॉन्सर्ड कर देती हैं, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं सब क्लियर कर दूंगा, आपको कॉलेज के बारे में भी बता दूंगा, जिस कॉलेज से मैंने किया उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए मैं एक डिफरेंट अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो भी क्यूरी है वो आप मेरे को या तो कमेंट कर दीजिए या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम में डालूंगा अपना अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ आप मेरे को DM कर दीजिए कि भैया ये मेरे को प्रॉब्लम है, आप मेरे को इसका बारे में बता दीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। अगर फिर भी आपको एक रिप्लाई नहीं या मेरे को हर
वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड होता है बार बार, मतलब एक क्यूरी जो होती है उसका मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा ताकि सब लोगों को एक वीडियो से ही क्लियर हो जाए, क्योंकि मैसेज में लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। तो आज के लिए इतना ही था यार, आप जो भी है एक वीडियो को आप अपने फ्रेंड जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके अंदर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के पता लग जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू।